क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है एक्सयूवी के बाद, हैरियर में बैठने के बाद आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्या आया गाड़ी का? ये एक मतलब वो है, बस इसका सेकंड गियर का वो है इशू, वो आप ऑफ रोडिंग में आप सेकंड गियर पे नहीं चल सकते हो, यू हैव टू क्या कि भाई चलाएंगे मेरी गाड़ी और मैं चलाऊंगा भाई की गाड़ी, सो उससे क्या होगा, एक हमें कंपैरिजन पता चलेगा कि मतलब किसको किसकी गाड़ी में क्या चीज पॉजिटिव लग रही है और क्या चीज नेगेटिव लग रही है। तो आइए सबसे पहले क्या चलाते हैं, एज कम्पेयर टू मतलब ये कल्ट टाटा का डीजल इंजन, हाँ सस्पेंशन वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये देखो ये आवाज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। आज का कंपैरिजन एक ऐसी सेगमेंट का है, वो सेगमेंट है 20 से 25 लाख रुपए का, और अगर कोई भी 20 से 25 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो वो कौन सी गाड़ी पे जाए, और उस सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग जो कार है वो है दो कार्स जो है, एक है टाटा की हैरियर और दूसरी है एक्सयूवी 700, सो जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छा कर रही है मार्केट में, उनका बहुत ही अच्छी मतलब उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। सो एक बायर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करना है। सो मैंने आज जो रिव्यू ला रहा हूँ वो मैं ला रहा हूँ ओनरशिप रिव्यू। इसमें एक एक डिटेल, छोटी सी छोटी डिटेल आपको हम बताएंगे, और इसमें क्या होगा कि जो एक्सयूवी का ओनर होगा वो टाटा की मतलब हैरियर चलाएंगे, और जो हैरियर का ओनर होगा वो एक्सयूवी 700 चलाएंगे। तो इससे ना एक कंपैरिजन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। सो अभी हम एक ओनरशिप रिव्यू देते हैं आपको, और अभी हम एक्सयूवी 700 के ओनर से भी मिलते हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम फटाफट ओनरशिप हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये है एक्सयूवी के ओनर और इनका नाम है नीलेश। अरे आपकी चाबी शायद अंदर रहेगी। नहीं नहीं, जेब में हाँ, तभी वो कर रही है। तो भाई ये गाड़ी आपकी कौन सा मॉडल है? ये 22 मॉडल है। 22, और अभी आपने कितने किलोमीटर चला लिए? अभी 18,000 चल रही है। 18,000 भाई ने चलाई है और 20,000 मैंने चलाई है, तो मेरे ख्याल से हम दोनों का रिव्यू बिल्कुल बराबर आना चाहिए, मतलब ओनरशिप रिव्यू हम दोनों का बराबर आएगा। तो अभी हम करेंगे क्या कि भाई चलाएंगे मेरी गाड़ी और मैं चलाऊंगा भाई की गाड़ी, सो उससे क्या होगा, एक हमें कंपैरिजन पता चलेगा कि मतलब किसको किसकी गाड़ी में क्या चीज पॉजिटिव लग रही है और क्या चीज नेगेटिव लग रही है। तो आइए सबसे पहले क्या चलाते हैं, सबसे पहले चलो हैरियर चलाते हैं, ठीक है? चलो भाई सबसे गाड़ी बढ़े। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है एक्सयूवी के बाद, हैरियर में बैठने के बाद आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्या आया गाड़ी का? फील तो अच्छा है इसका, अच्छा फील है, लग्जरी फील तो है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सयूवी से कोई छोटी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, बट अच्छा कैबिन अच्छा है। और स्पेस वाइज आपको, हाँ बाकी आपको स्क्रीन जैसे उसमें काफी बड़ी स्क्रीन है उसमें, वो आपको थोड़ा सा एक लग रहा होगा स्क्रीन तो छोटी लग रही है, छोटी लग रही है हाँ। तो बाकी लेग स्पेस वाइज ओके, गियर का रीच, स्टेरिंग वगैरह ये सब ओके है सब। तो चलो भैया फिर चलते हैं, चलाते हैं गाड़ी, तो फिर हाँ चलाने के बाद फिर पता चलेगा। चलिए अच्छा हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? इंजन नॉइज स्टार्टअप पे जो नॉइज आती है वो नॉइज है। आपके भी डीजल है ना? वो डीजल है लेकिन हाँ। उसमें कुछ नॉइज नहीं आएगी। अच्छा, एकदम स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन है, उसका नॉइज लेवल बहुत कम है। ओके, इसमें तो स्टार्ट करते पता चल रहा है कि ये डीजल इंजन है। ओके। और दूसरा चीज जो आपको मतलब वाइब्रेशन आपको स्टेयरिंग पे कुछ फील हुआ एज कम्पेयर टू? जी स्टीयरिंग पे है वाइब्रेशन। उसमें आपका स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत स्मूथ इंजन है, लगता ही नहीं कि डीजल चला रहे हैं, लगता है कि पेट्रोल चल रही है। ओके। सो ये एक सबसे बड़ा एक है पॉइंट कि हाँ वाइब्रेशन लेवल जो है वो इसका थोड़ा सा ज्यादा है। सो अब आप चलिए इनिशियल पिकअप आप क्या बोलेंगे? पिकअप नाइस, अच्छा पिकअप, बट रफनेस है थोड़ी, एक वो रॉनेस वाली फीलिंग आ रही है ना, प्रॉपर डीजल इंजन है हाँ। मतलब वो कहते ना वो कैबिन इंसुलेशन जो है वो इनका थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू, मतलब ये कल्ट टाटा का डीजल इंजन है। वो फील आ रही है रिफाइनमेंट के मामले में हाँ, ये आप बोल सकते हो कि वो एक्चुअली थोड़ा इंजन में नया है, वो जो आपका फियट जो आपका महिंद्रा का इंजन है वो अभी बिल्कुल नया इंजन है, वो महिंद्रा का इन हाउस इंजन है। ये फियट का इंजन है जो मतलब 5-6 साल पहले बना था, तो वो नेचुरली उससे थोड़ा सा फर्क है, पर क्या पता अभी जो फेस लिफ्ट आया हुआ क्या पता उसमें उन्होंने ये वाइब्रेशन लेवल उन्होंने थोड़ा रिफाइंड होगा वो पक्का होगा। और आपको क्या इसमें आपको आप ड्राइव करिए आप चलाइए इसको थोड़ा, और अगर आप टॉर्क अच्छा है थर्ड गियर में, कंफर्ट लेवल कैसा लगा आपको, शॉकर कैसा लग रहा है आपको? शॉकर
शॉकर भी अच्छा है, अच्छा फील है। और अभी मतलब हमने, चलो अभी तो हम ये रोड तो अच्छी है, अभी तो कोई खराब सड़क नहीं है, शायद आगे आएगी मेरे ख्याल से, आगे आएगी हम थोड़ा ले सकते हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, हम थोड़ा सा इसको ऑफ रोड भी चलाएंगे, तो दोनों गाड़ियों, हाँ इसमें आप पैच आया है, हाँ ये पैच में हम, चलो हम इसी में चलाते हैं, वो है ना, वो है वहीं से राइट, हाँ वहीं से राइट। अरे वाह, ये तो हमें पूरी ऑफ रोड ही मिल गई यार, मतलब जैसा चाहा था, जिस मोमेंट में चाहा था उसी मोमेंट में मिल गया। अरे यार ये तो पूरा ही ऑफ रोड है, तो अब हम ऑफ रोड करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सेकंड गियर पे 20 से कम स्पीड में अगर आप होंगे तो गाड़ी एकदम से झटका मार के बंद होगी। सो इसीलिए ना, इसके लिए हमेशा ये कहते हैं कि भाई हैरियर या सफारी जब भी लेनी है ना तो आप ऑटोमेटिक लो, उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इसमें आती आती है क्योंकि गाड़ी बहुत हैवी है। अब ये आपने अभी दोबारा आपने सेकंड गियर पे रखा होगा तो ये दोबारा भी वो होगा। सो ये आपने अगर कभी ऑफ रोडिंग करनी है, जैसे वो आगे चढ़ाई भी आई है उसमें भी आप फर्स्ट गियर पे ही खींचना, मतलब इसमें लो एंड टॉर्क हाँ जो सेकंड गियर का जो है ना वो थोड़ा सा है, बाकी आपको फर्स्ट में आपको आप कहीं पे भी आप चढ़ा लो वो कोई चक्कर नहीं, पर जो सेकंड में ये उठाने में थोड़ा वो करती है। सो अब भाई हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, सस्पेंशन तो अच्छा है, काफी अच्छा सस्पेंशन, हाँ मतलब एज कम्पेयर आपने उसको, आपने अपनी एक्सयूवी को भी आपने ऑफ रोडिंग किया होगा कहीं ना कहीं, तो आप लेकर गए होंगे उस पे मैं स्पीति लेकर गया था उसको। ओके अच्छा स्पीति लेकर गए थे, वेरी गुड। वहाँ तो 35 किलोमीटर का पूरा गंदा ऑफ रोड स्ट्रेच था जहाँ पे आप 20-25 किलोमीटर के ऊपर जा ही नहीं सकते। ओके फिर तो आपको यार ऑफ रोडिंग का भी पूरा उसका होगा रिव्यू, तो आप पूरा दे सकते हैं। तो आपको उसके साथ इसको कंपेयर करने में कैसा लग रहा है? तो 35 किलोमीटर तक तो मैं 20 की स्पीड पे ही चला हूँ। अच्छा, बहुत गंदी रोड थी वो, एकदम पत्थर। ओके, और ये चलाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि ये इसको परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, इसका उससे बेटर है, उससे बेटर लग रहा है। तो आपने वहाँ पे जब आपने चलाया तो आपको कुछ फील हुआ कि गाड़ी नीचे लग रही है या कुछ ऐसा कुछ? नीचे हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है उसका। ओके, मतलब मेरे ख्याल से इससे कुछ एमएम का फर्क होगा, मेरे ख्याल से 3-4-5 mm का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं। और भाई ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल की ऑफ रोडिंग है, अब तो यहाँ जाने के लिए थार चाहिए। हाँ अब हमें थार लेनी पड़ेगी वहाँ के लिए, क्योंकि भाई आगे बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है, तो वो करने का बिल्कुल भी वो नहीं बनता है। तो अब यहीं से गाड़ी मोड़ लेते हैं, वैसे यहाँ पे हमारा कंटेंट बन सकता है। हाँ बिल्कुल भाई, अभी हम थार का कंटेंट यहीं पे बनाएंगे भाई, 4x4 लगाकर टोचन के लिए आ सकते हैं। टोचन के लिए, अरे टोचन वाली रोप भी लेकर आया हूँ मैं, ऐसी बात मैं लाया हूँ, मैं भी लाया हूँ। अच्छा, जिस गाड़ी के लिए है वो बनी है, वो उसके लिए नहीं लाया। मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं स्पीति जाने से पहले मैंने जब ले का प्लान बनाया, जब मैं ले से वापस आया हूँ तब मैंने सोचा भाई ये होनी ही चाहिए गाड़ी, मतलब गाड़ी के अंदर बहुत जरूरी है भाई। तो भाई अभी हमारी ये ऑफ रोडिंग भी हो रही है, सो मैं आपको बताऊँ, मैं भी इसको लद्दाख लेकर गया हूँ, एक बार भी कसम से नीचे नहीं लगी गाड़ी, मैंने कितनी गंदी सड़क से भी निकाली, सब मतलब हर जगह से निकाली, पर गाड़ी नीचे कभी नहीं लगी, मतलब इतना अच्छा मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। हाँ, और आपको ना पूरा एक फील आता है कि आप एक बड़ी एसयूवी चला रहे हो, तो आपको एक वो एक रगडनेस ही फील आती है। सो ये एक मतलब वो है, बस इसका सेकंड गियर का वो है इशू, वो आप ऑफ रोडिंग में आप सेकंड गियर पे नहीं चल सकते हो, यू हैव टू टेक विद फर्स्ट गियर। तो बाकी आपको सस्पेंशन का बढ़िया लगा? बहुत। और आपको ये स्क्रीन देख के तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार काश थोड़ी अच्छी होती, क्योंकि एक्सीवी से मुझे पता है कि जब बंदा इस पे आता है तो फिर मतलब सोचते यार ये क्या है, मतलब 20 लाख की गाड़ी में ये क्या स्क्रीन दी है, पर यार अब ऐसी बात नहीं है, अब उन्होंने नए मॉडल में बहुत अच्छी स्क्रीन दी है, बट अपने टाइम की तो बेस्ट गाड़ी, अपने टाइम की, हाँ जो उस मतलब 4 साल पहले की अगर आप बात करें तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट यही थी, उस टाइम पे एज पर द प्राइस सबसे अच्छा वही था। तो आपकी अच्छा गाड़ी की आपकी पहले ये बताओ, आपकी एक्सयूवी क्या माइलेज देती है? डीजल वो भी है, डीजल ये भी है, तो आपकी वो क्या माइलेज देती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये इंडियंस का सबसे पहले रहता है ये, सो क्या माइलेज देती है, सिटी में क्या देती है, हाईवे पे क्या देती है, और जब आपने ऑफ रोडिंग की वहां पे क्या माइलेज दी ये बताओ। देखो सिटी में तो एवरेज अगर एसी लगाऊं तो 10-11 दे देती है, ओके विदाउट एसी 13-14 के बीच में, और हाईवे पे अगर जाएं अपन, हाँ, तो 18-19 आराम से निकाल देती है, 18-19 की एवरेज दे देती है, और वो भी वो डिपेंड करता है कि अब चला कैसे, चला कैसे, वो एक्चुअली में ड्राइवर के ऊपर डिपेंड, ड्राइवर के ऊपर, अगर आपने एकदम स्मूथ
पैडल रखा है एक्सीलेटर पे, तो आपकी एकदम अच्छी चलेगी, हाईवे पे अच्छी एवरेज थी। तो अगर आप फर्स्ट गियर लगा लेना, तो अगर आप 18-19 की एवरेज हाईवे पे निकाल रहे हो ना, इसका मतलब आप बड़े ही सेंसिबल ड्राइवर हो यार। मेरा एकदम लाइट पैर होता है वो मैं एवरेज, आपकी एवरेज से ही पता चल गया भाई। अगर एवरेज ऐसी हो तो फिर मेरा कभी... पैर पैडल पर ऐसे होता है जैसे गर्लफ्रेंड के गाल पर हाथ। क्या बात है, क्या बात है भाई, तब तो आपकी गर्लफ्रेंड और गाड़ी बहुत देर तक टिकेगी आपके साथ। गाड़िया एक ये तो है ही है, लड़कों की सबसे पहली जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनकी गाड़ी होती है, गाड़ी या बाइक। पर गाड़ी पे तो और बाइक पे तो कभी भी नहीं। मैंने सच में जब पहली बाइक ली थी, मैंने 5-6 साल तो उसको आप देख के बता ही नहीं सकते थे कि ये 4-5 साल पुरानी थी। इतना मैं उसको साफ रखता था, इतना मतलब ये हमारा सबसे पहला प्यार यही होता है गाड़ी और क्योंकि मेरे को थोड़ा है एक्सपीरियंस माइलेज का, क्योंकि मेरे पास थी पहले पल्सर 220 उस पे सब लोग रोते थे कि भाई एवरेज नहीं, एवरेज एवरेज देती है वो। बट मैंने उसको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किए और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस पे 45 से 50 तक एवरेज निकाली। ओ तेरी, अच्छा 220 में 45 से 50 भाई, ये तो आपका रिकॉर्ड बनना चाहिए। 2015 का टाइम है, 14-15 उस टाइम में इतनी एवरेज निकालता था। ओ यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये तो मतलब 150 cc की बाइक की एवरेज आप 220 में निकाल रहे थे यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई का ये तो पता चल गया कि यार इनका ड्राइविंग जो है स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, जिससे वो आपकी इस ड्राइविंग स्टाइल से ना आपकी गाड़ी की इंजन भी अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी की बॉडी भी अच्छी रहेगी, शॉकर्स अच्छे रहेंगे, सब कुछ आपकी लाइफ मतलब गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हम सबको ऐसा ही राइडर या ड्राइवर होना चाहिए। सो बाकी आपको अच्छा, अब इस पे कुछ आपको ऐसा कुछ नेगेटिव लगा एक स्क्रीन के अलावा और क्या आपको नेगेटिव लगा? आपको नेगेटिव एज सच तो कुछ नहीं लगा। अच्छा, वही है कि टाइम की बात है, आप एक्सयूवी 22 मॉडल है, 22 में आई है, ये 19 में आई है, ऑब्वियसली उसकी इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी सी ज्यादा है उस पे, तो उन्होंने काम किया। अब ये पहले का मॉडल है, बट अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, और राइड क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी तो सभी को पता ही है, बिल्ड क्वालिटी तो वो तो वो बेस्ट है, बेस्ट है, 5-star रेटिंग के साथ है सेफ्टी में, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो बस वो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इसकी सेफ्टी पे या रिलायबिलिटी पे, अच्छा बहुत अच्छी है गाड़ी। तो भाई अभी हम चलेंगे XUV 700 में, तो भाई की गाड़ी फिर हम चला के देखते हैं कि उसमें क्या है पॉजिटिव हैरियर से और क्या है नेगेटिव हैरियर से। तो अभी चलिए चलते हैं हम XUV 700। तो गुरताज भाई, हाँ जी भाई, क्या है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैबिन में बैठकर, कैसा लग रहा है? कैबिन में बैठ के सबसे पहला फील ये आ रहा है कि मैं किसी अपर सेक्शन की गाड़ी में बैठा हूँ, मतलब ये एक सेगमेंट ऊपर है उससे। मतलब क्या है इसके इंटीरियर की जो मतलब फिनिशिंग है, क्या मतलब इसका स्टेयरिंग का, मतलब ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो ऑडी वाली जो स्क्रीन है यार, ये तो BMW लेवल की स्क्रीन है ये, तो ये मतलब एक अबव सेक्शन लग रहा है, ये मतलब इस सेक्शन से ऊपर की गाड़ी लग रही है ये। सो अभी चलो अब चला के देखते हैं, स्टार्ट करिए। आप ऑटोमेटिक है ये? ऑटोमेटिक है ये जी जी। तो चाबी स्टार्ट कैसे लगा आपको गाड़ी का भाई? स्टार्ट तो भाई सच में ये बात आपने बिल्कुल सही बोली थी कि ये मतलब वो है बिल्कुल, इसका इंजन वाइब्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है यार, और स्टीयरिंग अरे यार। अच्छा अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मैनुअल है, उसमें वो है मैनुअल नहीं है सॉरी वो क्या हाइड्रोलिक है उसमें, तो इसलिए उसका थोड़ा सा हैवी है, पर इसका तो बहुत ही लाइट है यार स्टीयरिंग। एक बार फिर से स्टार्ट करो अगर आपको फील करना है। एक बार देखो, एक तो जो ना जो इसकी सबसे बड़ी बात है, जो स्टार्ट का जो वो होते ना एक वाइब्रेशन जो आता है, वो भी इसका बहुत ही कम है। और भाई आप स्पीडोमीटर देखो, ऐसा लग रहा है कोई रेसिंग कार में बैठ जा रहा है। मतलब ये कैसा इसने वो जो स्टार्टिंग का दिया ना, ये देखो ये जो अभी देखो, ये जो स्टार्टिंग में देगी ये तो पूरा ये वाला फील, ये तो पूरा जैसे यार किसी स्पोर्ट्स कार पे बैठे हैं भाई। वाकई में इंटीरियर वाइज कोई मुकाबला नहीं है भाई इसका, और स्टेयरिंग तो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं ऑल्टो कार में जो पावर स्टेयरिंग होता है ना ऑल्टो के साथ कर रहे हो कंपेयर। स्टीयरिंग इसका बिल्कुल एक मतलब इतना लाइट है यार कि मतलब ये देखो, मैं मतलब एक छोटी उंगली से भी मैं इसको आराम से मैं घुमा पा रहा हूँ यार, बहुत सही है यार। अभी इसमें ड्राइव मोड में अगर आप इको करोगे, इको यानी सिटी मोड, उसमें और स्मूथ हो जाएगा स्टीयरिंग। अच्छा, हाँ जी, इंजन की आवाज सच में यार उससे काफी कम है यार,
और जबकि इसका इंजन ना उससे बड़ा है, पता है इसमें 2.2 लीटर का इंजन है, पर फिर भी इसकी आवाज इतनी कम है, मतलब वाइब्रेशन इतनी कम है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप 1500 सीसी के इंजन को आप चला रहे हैं, इतनी मतलब इसकी कम आवाज है इसकी। पिकअप कैसा लगा आपको? पिकअप तो बहुत जबरदस्त है यार, स्मूथ पिकअप, बहुत स्मूथ है। और अच्छा ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ब्रेक पे, ब्रेक पे पांव मार लो एक बार, क्योंकि आगे तो ये जो जो इसमें गियर शिफ्ट का भी वो जो जो होता है ना ब्रेक जो आता है बीच में, ऑटोमेटिक जो गियर शिफ्ट कर रहा है वो भी ये बहुत अच्छा। मैंने थार चलाई थी ऑटोमेटिक, उसमें इतना स्मूथली गियर शिफ्ट नहीं होता है, इसमें गियर शिफ्ट बड़ा स्मूथ होता है। थार फिर रफ एंड टफ टेरेंस के लिए बनी है, थोड़ा चले वहाँ पे। हाँ चलते हैं चलते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो ध्यान से थोड़ा ये बच सकती है नीचे। बहुत प्यार से चलाएंगे जैसे आप है। अब आप ये सबसे बड़ा एक इसका कंफर्ट है कि आपको कोई गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑफ रोडिंग है जो मर्जी है, बस रेस पे पैर रखो और ब्रेक पे पैर रखो, बस और कुछ नहीं। अब आप देखिए आपको इसका सस्पेंशन कैसा लगता है? सस्पेंशन नो डाउट थोड़ा सॉफ्टर साइड में है, उसमें कोई शक नहीं, पर ये देखो ये अभी ऐसा लगा कि जैसे नीचे टच हुई। सो वो ग्राउंड क्लियरेंस यार, मैं मेरा ये मानना है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप एसयूवी लेवल की गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस होनी ही होनी चाहिए भाई, बिल्कुल, नहीं तो फिर आपका क्या मजा, फिर आपको वो मतलब ऑफ रोडिंग तो आप कर ही नहीं सकते, और इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप ऑफ रोडिंग ना कर पाओ, थोड़ी बहुत ही भी, मैं नहीं कहता ज्यादा पर थोड़ी बहुत। और स्टीयरिंग सस्पेंशन, ये इसका ना एक कारण इसका नीचे लगने का ना थोड़ा वो भी है कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो बहुत सॉफ्टर साइड है, सॉफ्टर साइड, उसकी वजह से जो इसमें जो वो रिफ्लेक्स होते हैं ना जो ऊपर नीचे हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ये गाड़ी ट्रैवल सस्पेंशन, हाँ वो थोड़ा ज्यादा है इसका, उसमें थोड़ा सा हैरियर में थोड़ा सा वो है, कम है, कम है। अच्छा सस्पेंशन की देखो आवाज कितनी अलग सी आ रही है, कुछ मतलब आपको लग रहा है कि जैसे सस्पेंशन वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये देखो ये आवाज गलत है, ये नो डाउट आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं, बट वो सस्पेंशन का जो वो है ना मतलब वाइब्रेशन थोड़ा सा है, पर ऐसे बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब फैमिली कार के लिए मैं ये बोलूंगा यार ये प्रॉपर फैमिली कार है कि आप इसमें आराम से मजे से लॉन्ग राइड के लिए आप जा सकते हैं, बट सिर्फ अच्छी सड़कों हाँ, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए नहीं। और दूसरा मुझे सबसे अच्छा इसका ये लगाया स्टेरिंग तो यार सच में यार मलाई है ये तो, और इंजन की आवाज देखो यार, हाँ ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको एक रॉनेस फील आती है, इसमें थोड़ा सा एक स्मूथ फील आता है, बाकी इसका स्पीडोमीटर, इसका टच डिस्प्ले ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ये भी है फन विद एक्सयूवी जिसमें आपको टॉर्क और पावर दिखाए गए। ओके वो उसमें एरिया में तो यहाँ छोटा सा ही दिखता है टॉर्क और पावर। अच्छा आपकी इसमें एवरेज शो कर रही है 13.8 की। ओके ये आपने अभी मतलब ज्यादा सिटी में चलाई है? ये तो अभी हम सिटी से ही आए हैं। अच्छा सिटी मतलब ज्यादा ये 13.8 कब की है? ये होगी लास्ट जो मैंने चलाई है 3-4 बार सिटी में ही चलाई है, हाईवे पे ली, हाईवे पे नहीं ली है। सो फिर भी चलो ठीक है 13.7-13.8 ये अच्छा है, हाँ रेंज वन। और इसका एसी भी इसका मुझे ठीक लगा, अच्छा है इसका एसी, कोई मतलब वो नहीं है। थार के एसी थोड़ा सा वो भी अपने सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बट इसका भी मुझे एसी अच्छा लगा। और बाकी आपको आपको इसको साफ करने में कुछ आती है प्रॉब्लम? ये व्हाइट कलर है तो इसमें आपको मतलब व्हाइट लेदर अपॉल्स्ट्री है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती है। हाँ प्रॉब्लम स्पेशली कोई जैसे खाने के दाग लगे हैं, चटनी के लगे हैं, सब्जी के लगे हैं, उस पर प्रॉब्लम आती है। जैसे सिर्फ गीले कपड़े से काम नहीं चलता, कॉलिन लगाना पड़ता है या समटाइम्स एथेनॉल या फिर सैनिटाइजर। ओके तो हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट जब अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रेडी होना चाहिए कि आप इतना उस पर स्पेंड करो या फिर उतना टाइम निकालो ये सब इसको साफ करने के लिए, रखनी पड़ेगी आपको अपने साथ अगर आप व्हाइट कलर ले रहे हो। सब स्पेशली व्हाइट कलर का लुक वाइज तो बहुत अच्छा लगता है, बस ये है कि हाँ केयर करना थोड़ा सा वो होता है। सो बहुत अच्छा था भाई। और ये गाड़ी अपने आप बंद हो गई? अपने आप, जब आप ब्रेक पे पेडल रखोगे विद इन 5 सेकंड्स वो बंद हो। अरे वाह यार, ये तो मतलब तेल बचाने और ये तो तभी आपकी एवरेज इतनी बढ़ रही है। भाई इसका जो भी है इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, मतलब लग्जरी लुक है यार।
बट अभी ऐसा है कि जैसे हैरियर का भी जो नया मॉडल आया है सफारी का भी, उसमें भी उन्होंने अपग्रेड किया है इंटीरियर को. सो ये एक मेरे ख्याल से था एक ऐसी चीज जो मतलब टाटा को बहुत जरूरी था करना, पर वो उन्होंने कर दिया. सो हैट्स ऑफ टू देम. बाकी भाई गाड़ी का इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारा है एज कम्पेयर टू हैरियर, और स्टेयरिंग तो बहुत ही लाइट है. अरे अच्छा ये क्या स्टेयरिंग ऑन? अरे वाह यार, वो तो जादू है यार, जादू है. पर इससे इंजन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब? नहीं नहीं क्यों, गाड़ी ऑन ही ऑन ऑफ का? नहीं नहीं वो तो ऑन बेसिकली ऑन ऑफ ही तो हुई है. वो क्या कुछ उसने क्या हुआ है अभी? वो मेरे को थोड़ा अनांग लगता है ये, तो मैं मैनुअली इसको ऑफ कर देता हूँ. अच्छा अच्छा साइड से, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ ब्रेक पे तो कभी भी पैर डल जाता है. ओके तो वो अच्छा, इसमें 360 कैमरा है? 360 कैमरा है. हाँ यार 360 कैमरा है. टॉप का व्यू आता कैसे है? AI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 360 है, और ये लेफ्ट साइड व्यू मिरर से दिखाएगा आपको. ओके टायर की रोटेशन. अच्छा टायर की रोटेशन भी हो रहा है वेरी गुड. यहाँ से ये, और ये आ गया राइट साइड का. ओके ये आ गया बैक साइड का, बैक की टिक्की का. ये आ गया फ्रंट, और ये आ गया आपका 3D. ये 3D आ गया. सॉरी ये फ्रंट आपको इसका हुड का दिखा रहा है. हाँ. ये आ गया 3D. 3D 3D में आप घुमा भी सकते हो. अच्छा तो ये nice. ये रियल व्यू है राइट? हाँ हाँ देख लो भाई, बिल्कुल सेम वही. ये हैरियर दिख रही है इनकी. हाँ वो पीछे हैरियर खड़ी है, और इस फोटो भी ले सकते हो. वाह. तो गाइज ये था रिव्यू दोनों गाड़ियों का. आई होप आपने सब चीज़ें आपको डिटेल में पता चल गई होंगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगा. और अगर आपके कोई भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, बाय, टेक केयर.